नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। नवविवाहिता ने खाया अज्ञात जहर, संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। संजय गांधी अस्पताल में दोनों पक्ष मौजूद, दोनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुटा संजय गांधी अस्पताल का प्रशासन। ससुराल लड़की के घर पर ही उसने आत्महत्या, उस जगह नौड़िया थाना नौर का है मामला। नवविवाहिता ने खाया अज्ञात जहर, हुई मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप। संजय गांधी अस्पताल में दोनों पक्ष मौजूद, नौड़िया थाना लौर का है मामला। लड़की ने अपने ससुराल में की खाया अज्ञात जहर। संजय गांधी अस्पताल में एक नवविवाहिता की मौत इलाज के दौरान हो गई। लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की माँ और पिता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, उनकी बेटी की शादी लॉकडाउन में लौर थाना के नौड़िया गांव में हुई। लड़की मूलतः मेहुरट थाना मऊगंज की रहने वाली थी। 1.5 साल पहले ही उसकी शादी लॉकडाउन के समय हुई थी। लड़की के परिवार के लोग ससुराल पक्ष द्वारा मृतक को दहेज के लिए लगातार परेशान करने की बात कह रहे हैं। वहीं लड़की के पिता साफ तौर से इनकार कर रहे हैं। मृतक का नाम पूनम पटेल, पति अगिरा प्रसाद पटेल बताया जा रहा है। वहीं इस घटना पर ससुराल पक्ष भी संजय गांधी अस्पताल पहुंचा और शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में पूरा परिवार जुटा हुआ है। पुलिस मामले की जांच करेगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा दरअसल गलती किसकी थी, पूरा मामला क्या था। हमारी टीम ने लड़की की माँ पिता और लड़के के पिता से मामले को लेकर बात की। फिलहाल अस्पताल की पुलिस चौकी में 10/52/22 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। सुनिए परिजन क्या कुछ कह रहे हैं कि बहू के साथ। साहब, इनकर बिटिया बेटा बन के 4 साल पहले से शादी फिट रही, अपने आप लव मैरिज शादी आ, हमसे कौनो मतलब नहीं। एक बेरी हमार घर द्वार देख आ रहे हैं हमार समझी, तो हम कहन के ऐसा है कि शादी करी तो कई देई, और आगे से आगे आगे से आगे करी थी का कैसा होई। ठीक है, इनकी बिटिया बेटबा पसंद ना तो उसे हमसे कौनो मतलब नहीं आए। आई बिटिया बेटबा साहब पसंद रहे, हमसे कौनो एलर्जी नहीं। जब आवर रहा बाहर से तो बलाए लावर रहा, और जब जा रहा बाहर तो पहुँचा दे रहा मई के। साहब 20,000 रुपया निकाले ना जात मऊगंज, ते बहू हमारी ऐसी ना करती। ये 20,000 रुपया निकाला ही घर चला मऊगंज, मऊगंज के यहीं कहती एक दुग्गमा है, दुग्गमा में पहुँचा कि फोन लगाई बहू कहाँ है, तो कहेंगे ले पापा खातिर पैसा निकाला 20,000 दे। एक बाद में 2 मिनट बाद में साहब यह पता चला थी कि मुसाहिबा दवाई पी ली थी। आपका बेटा कहाँ काम करता है? नागपुर में साहब चाइनीज का धंधा करी खोली सी बहन है, तेन करी विचार है कि हमको ले चले। अभी 4 दिन पहले कही थी भी कि नहीं ले जाओगे नागपुर, तो हम साहब लहास जला भे हो गए हमारे 2-4 दिन बाद। आपका नाम? साधु लाल। जितनी दूर दशा हमारे करीन साहब, तब हम जान के हमारी तो बिटिया ही आई ना जी, एक थे बेटा भाई एक थे बिटिया रहता, चाहे आँखी मान ली चाहे कान, और दोनों महत्वपूर्ण है। कैसे जान? अब सर हम लोग तो वहाँ रहन नहीं, अब जब यहाँ आए थोड़ा शुद्ध खबर भाई तो अपने महतारी से बताई कि हम 5 दिन भोजन नहीं कर रहे, करई नहीं मिला, धायो लड़ा उस पाला थे, अब केव खावे नहीं करा तो हम अकेले कस के खाए, 4 दिना पानी नहीं पिया। फिर हमारे कुछ नहीं सिझान तो हम जहर हमके दिखाए कि जिंदगी से जी ऐसे बेलू मरना चाहिए। आपकी कौन थी? हमारी बच्ची है। क्या आपको लगता है उसके पति ने उसको? हाँ सर, हमारे पास वो लड़की मरने से पहले चोरी, हमारे चोरी से अपने माँ के पास बहुत सबूत भेजी है मोबाइल, जैसे परेशान कर रहे तो चुप्पे रिकॉर्ड करके अपने महतारी के लगे भेज दिए। कब हुई थी शादी? शादी 1.5 साल हो। आपका नाम? वंश गोपाल पटेल। कहाँ रहने वाले? गिद्धजोहार। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।